हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड सीबीएसई बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज सीबीएसई बोर्ड का इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट का एडमिट कार्ड बताएंगे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट जो एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड के 10th 12th के, उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और इसी के साथ में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के भी हो चुके हैं। दोस्तों, सेम तरीका है तीनों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं। पहले ये बताते हैं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में हैं तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करके डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा, आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर CBSE टाइप करना है और एंटर कर देना है। CBSE टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, पहली वेबसाइट आपको नज़र आएगी, cbse.gov.in। देखिए ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ से हम रिजल्ट वगैरह देखते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए नई वेबसाइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in ओपन हो जाती है और इस वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड का कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो ठीक तरह से ध्यान दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट सीबीएसई और इन फोकस, दोनों में से कहीं पर भी आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, प्राइवेट वाले सेक्शन में जाना है और प्राइवेट में ही आपको इंप्रूवमेंट के और कंपार्टमेंट के एडमिट कार्ड मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर देखिए पोर्टल्स हैं, तो पोर्टल्स में जाकर इस पोर्टल पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नया पेज खुल जाता है। नया पेज खुलने के बाद आपको व्यक्तिगत परीक्षार्थी, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल होता है यानी प्राइवेट, तो प्राइवेट परीक्षार्थी के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर लिखा नजर आएगा ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट 2021। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, कंपार्टमेंट है और इम्प्रूवमेंट, तीनों के एडमिट कार्ड आपको यहीं पर नजर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के अभी नहीं नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है और यहां पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर टाइप करके आपको प्रोसीड कर देना है। और अगर आपके पास नेम है बिल्कुल एक्यूरेट तो वो नेम लिखकर और मदर नेम और फादर नेम लिखकर आप यहां से प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। और जिन लोगों के एडमिट कार्ड इंप्रूवमेंट के या प्राइवेट के या फिर कंपार्टमेंट के डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं या फिर नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, उनको क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर पर बात करनी है या फिर उनको मेल करना है या फिर दोस्तों कुछ दिन रुक कर देख लें, हो सकता है 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो डेटा है वो सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं, अभी पूरा डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। तो जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो मंडे शाम तक का वेट करें, हो सकता है मंडे शाम तक उनके एडमिट कार्ड आ जाएं। अगर नहीं आते हैं तो उनको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा या फिर सीबीएसई बोर्ड को मेल करना होगा, जिससे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में तो हमारे कमेंट में आकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।